Hello student, welcome to the Brainstorm classes. Today we are learn about class 8 or chapter number class 9 algebraic expression, जिसमें exercise number 1 है 9.1. तो question number 1 में आपसे बोला है find the product of the following pair of monomials. इनका क्या निकालना है, इनको product calculate करना है, यानी इनको multiply करना है. तो देखते हैं question number 1 की तरफ 3 × 5x. तो सबसे पहले multiply already लगा हुआ है. तो याद रखना आपको number number से multiply होगा और variable variable से multiply होता है. तो 3 × 5 से 15 होएगा. इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है x, तो इसका ये 15x इसका आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं. माइनस का 5p * माइनस का 2q, ब्रैकेट लगा लेते हैं. नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से और साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा. तो माइनस * माइनस सेम साइन है, यानी कि प्लस बन जाएगा. 5 2 जा 10 बन जाएगा. p को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, p * q, ये इसका आंसर है. थर्ड वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं. एन स्क्वायर, अब यहाँ आ रहा है माइनस और यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो प्लस इनटू माइनस अलग अलग साइन है, अनइक्वल है, यानी कि माइनस का साइन आएगा. 7 × 3 = 21. एल स्क्वायर और यहाँ आ रहा है एन स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इन दोनों डिवीजन किसका साइन है, मल्टीप्लाई का. फोर्थ क्वेश्चन है 6m × 3n. तो सबसे पहले इसको 6m × 3n की फॉर्म में लिख लेते हैं. अब नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 × 3 = 18. m × n = mn. लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, −5x² − 2x. माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. 5 × 2 = 10. x² × x है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है. बेस से हमें दोनों के मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी 3 हो जाएगी. ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मोनोमियल्स. इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका x² × x² y, x, तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं. एक्स वाई इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स. अब इनके बेस से हमें तो पावर्स क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी. तो यहाँ पे देखते हैं एक्स की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1. तो 1, 2 और 2, 4 और 1, 5. एक्स की पावर हो जाएगी 5 और वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3. क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, 8 होती है. किस तरीके से, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन. क्योंकि बेस सेम है दोनों की और मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी. और ये प्रोसेस अगर इस तरीके से डिवाइड में हो तो इसमें क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है. इस तरीके से ये दो रूल है. सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं. m × n × mn × m³n × mn³. अब देखते हैं m की पावर कितनी आ रही है. यहाँ पर पावर है 1 और 1 2 2 और 3 5 और 1 6 हो गया, यानी कि m की पावर 6. अब n की पावर काउंट करते हैं, 1 2 3 और 3 6. m की पावर 6 और n की पावर आल्सो 6. थर्ड क्वेश्चन इसका, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, 1 2 3. तो k की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि बोला इसने क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है. l की पावर कितनी होगी, l की पावर 1 2 3, तो पावर 3 हो जाएगी. और m की पावर कितनी होगी, 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट p = p × t × r/100. इफ प्रिंसिपल p = 4x² दे रखा है आपको एंड टाइम t की वैल्यू 5x दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5y दे रखा है. तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में. तो यहाँ लिख देंगे इसका आंसर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला आपको गिवन है, p × t × r/100. वैल्यूज पुट कर देते हैं, p की वैल्यू कितनी है अपने पास, p की वैल्यू है 4x², तो यहाँ पर लिख देंगे 4x² × p की वैल्यू है 5x × रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5y/100. सोल्व कर लेते हैं इसको, 5 × 4 = 20, 25 = 100, 100 x² y / 100.
100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा इसका x स्क्वायर y, ये इसका टोटल आंसर हो गया। चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, मल्टीप्लाई द गिवन बाइनोमियल्स। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल मतलब जिसकी जिसमें टू टर्म्स है, यानी कि बीच में या तो प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा। तो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको इस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 3x माइनस 7। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म एज दिस लिख देनी है और सेकंड ब्रैकेट को कंप्लीट यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से। फिर अगेन फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट को एज दिस वापस लिख देना है इस तरीके से। आप कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है और नंबर सॉरी वेरिएबल वेरिएबल से और डिजिट डिजिट से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 6 हो जाएगा इंटू एक्स आ रहा है यहाँ पे, एक्स की पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। यहाँ पर आ रहा है प्लस, यहाँ पर आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखा मैंने। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस का 7 2 14x। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 35। अब देखते हैं लाइक टर्म आ रही है तो इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब कि जिसके साथ जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो अगेन एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एच डिज लिख देनी है। अब x वाली टर्म यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस का 15 है और यहाँ पर माइनस का 14 है, तो 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिख सकते हैं अपन, माइनस का 35, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों क्या करना है प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को ब्रैकेट लगा के इस तरीके से लिख देंगे एक्स प्लस 5। नाउ अब क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म को एज दिस सेकंड ब्रैकेट प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट एज दिस लिख देना है। मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स बनेगा मेरे पास ए एक्स प्लस a इंटू 5 बनेगा 5a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3bx प्लस 15b। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है, मतलब ए एक्स किसी भी टर्म में नहीं आ रहा, सिंपल ए किसी भी टर्म में नहीं आ रहा, बी एक्स भी नहीं आ रहा और सिंपल बी भी नहीं आ रहा, मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा और ये इसका क्या है आंसर है। अब इसी का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसको देखना है। देखो कैसे इन दोनों को प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट लगाना है, यानी कि मैं एंड को यहाँ से हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म को लिखना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म लिख दी, ये ब्रैकेट एज दिस यहाँ पे लिखना है हम लोग को 4a स्क्वायर माइनस 5/3b स्क्वायर। सेकेंड वाली टर्म लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट की और सेकेंड ब्रैकेट एज दिस नोट डाउन कर देना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करना है, मतलब टर्म्स को बाहर लेके आके मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, नहीं तो एग्जाम में गलती करोगे आप लोग। 4a स्क्वायर इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, अनइक्वल साइन है यानी क्या आएगा माइनस आएगा। 3/4a स्क्वायर इंटू 5/3b स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से लिख देते हैं 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई नहीं करना है जहां पे रेशनल नंबर के फॉर्म में कोई आंसर आ रहा है, यहाँ तो नॉर्मल आ रहा था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3b स्क्वायर इंटू 5/3b स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट कर दें, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 सेकेंड 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी कि 3a की पावर 4, a स्क्वायर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, माइनस 5/4 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा अपने पास माइनस 5b की पावर 4। अब देखते हैं लाइक टर्म कहाँ पे आ रही है, ये a की पावर 4 कहीं भी नहीं है, b की पावर 4 कहीं नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर तो वापस एज दिस आना है, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस 5/4 लिखा हुआ है,
यानी कि 12 प्लस का है और माइनस का 5 अपॉन 4 है। इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम आएगा 4, तो 1 की टेबल बोलेंगे जहां तक 4 नहीं था, 4 टाइम उस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 12 जा 48 माइनस 4 की टेबल बोलेंगे जहां तक 4 नहीं आता, 1 टाइम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, सबट्रैक्ट करते हैं इसको, तो 48 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 43 अपॉन 4, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें वो 43 अपॉन 4, तो इसका आंसर इस तरीके से लिख देंगे 3 a की पावर 4। हां और ये जो वैल्यू है ये प्लस की वैल्यू बढ़ी है यहां पर, इसीलिए प्लस का आंसर आया, तो क्या लिखेंगे अपन, प्लस 43 अपॉन 4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 5 b की पावर 4, तो इसका आंसर हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है इसका, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 3x plus 8 ब्रैकेट 5 minus 2x, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म को लिख देना है इस तरीके से, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिख देना है 5 minus 2x, फिर अगेन सेकंड टर्म के लिए प्लस का 8 5 minus 2x, क्योंकि ये जो टर्म होती है ये वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है और इससे भी मल्टीप्लाई होती है, मतलब ये जो ब्रैकेट आ रहा है पीछे वाला ब्रैकेट उसकी दोनों टर्म्स इस एक एक ब्रैकेट से सॉरी एक एक टर्म से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो अपने को इस तरीके से इसको लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल तरीके से, 3 5 जा 15, इसमें वेरिएबल नहीं है लेकिन इसके साथ वेरिएबल है, तो 15x माइनस 6x स्क्वायर, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 40 माइनस का 16x। अब चेक करते हैं कि लाइक टर्म कहां पे आ रही है, तो देखते हैं अपन कि यहाँ 15x आ रहा है और यहाँ पे 16x आ रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी होने की वजह से माइनस का x और माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 40, ये अपना आंसर हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाले टर्म को आगे लिखना होता है हमेशा, तो माइनस 6x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया माइनस x प्लस 40, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से लिख देंगे सबसे पहले, आप क्या करेंगे इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सिंपल करते हैं अपन मल्टीप्लाई, a की पावर 2 इंटू ए कितना हो जाएगा a की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस साइड में तो पावर्स क्या हो जाएगी a हो जाएगी, यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग है तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल, प्लस ए बी प्लस बी की पावर 3। चेक करते हैं कि लाइट टर्म आ रही है या नहीं आ रही है, तो अपन देखेंगे लाइट टर्म कहीं भी नहीं है, यानी किसी ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि इन दोनों को प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और इसको क्या करना है ऐड करना है, सिमिलर प्रोसेस है इन दोनों का प्रोडक्ट और इसको ऐड करना है, तो पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देंगे एज दिस, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट एज दिस लिख देंगे, कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं लास्ट वाले लिखना, तो आप लोगों को नहीं भूलना है, ये सिर्फ अपने ब्रैकेट का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, इसको एज दिस लिख देना है क्योंकि ये वाली टर्म चलती रहेगी साथ में। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x, x स्क्वायर रहेगा माइनस 7x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x माइनस 35 और प्लस का 35। अब देखते हैं कि प्लस 35 से माइनस 35 कैंसिल हो गया, लाइक टर्म जो भी आ रही है उसको एड या सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास है x स्क्वायर, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, मतलब ये दोनों क्या है लाइक टर्म है एक जैसी टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगी सोल्व हो जाएगी 5 माइनस 7, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है इसलिए माइनस का 2x इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इंटू b स्क्वायर प्लस 3, ये सिर्फ दो प्रोडक्ट का सॉरी दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा है, इसके साथ प्लस 5 एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है अलग अलग साइन होने की वजह से मल्टीप्लाई में, प्लस का 5। चेक करते हैं लाइक टर्म है या नहीं है, तो लाइक टर्म इसमें कहीं भी नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर एक साथ नहीं आ रहा, a स्क्वायर सिंगल नहीं आ रहा, b स्क्वायर भी नहीं आ रहा, ये दोनों क्या है लाइक टर्म है, तो इसको ऐड कर लेंगे लास्ट वाले को, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर माइनस का 9 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये इसका आंसर आ चुका है।
इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर फिफ्थ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है इसका। तो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट एज दिस पूरा लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी सेकंड टर्म प्लस बी, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट एज दिस पूरा नोट डाउन कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर थ्री माइनस, यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, पावर वन वन है दोनों की, और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी की पावर थ्री। अब इसको सोल्व करते हैं, तो उसके लिए अपने को लाइक टर्म ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढते हैं, ए क्यूब कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी कि ए क्यूब एज दिस नीचे लिख देंगे, ए स्क्वायर बी यहाँ आ रहा है माइनस में, ए स्क्वायर बी यहाँ आ रहा है प्लस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए बी स्क्वायर नेगेटिव है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा प्लस बी की पावर थ्री, ये क्या है इसका आंसर। इसमें बोला है आपको इन दोनों को प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और इसको बाद में सेपरेट करना है, तो पहले इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग रहा है और अपन मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो अभी तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट एज दिस लिख देंगे, उसके बाद सेकंड टर्म प्लस में है तो प्लस में तो माइनस में लिख देंगे, ये इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है अपन ने यहाँ पर। अब इसको एज दिस लिखना है माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लास्ट में माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस टर्म को सोल्व आउट किया था इस वाले टर्म को, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, इस वाले टर्म को सोल्व आउट किया तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसको सोल्व करने पे ये वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि मैं आपको अभी फॉर्मूला बताऊंगा उसमें काम आएगा। तो इसका ये प्रूफ हो चुका है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे कि ए स्क्वायर नेगेटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर नेगेटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, टोटल आंसर क्या जाएगा इसका जीरो हो जाएगा। अब न्यू एक्सरसाइज है मेरे पास एक्सरसाइज 9.3, तो इसमें कुछ फॉर्मूले काम आएंगे आपके पास, तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला दिखता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कहीं पे अप्लाई करना हो तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो चुका है। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाला फॉर्मूला है आपके पास कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, क्या होता है इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लास्ट वाला फॉर्मूला है फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये चार फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने और इसी से क्या होंगे अपने क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट द ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, इन चार में से जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसको काम में लेना है और यहाँ पे इसको क्या करना है सोल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन में आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास बन रहा है x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली शक्ल बन रही हो, तो इसको चेक कर लेंगे अपन, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस फाइव दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसमें ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख के आना है एग्जाम में इस तरीके से। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ से कंपेरिजन कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास x और b की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 5 आ रही है। अब ये इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करते हैं a की जगह क्या लिखना है x उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू फाइव जै टेन, टेन एक्स प्लस ट्वेंटी
5, ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की फॉर्म में आपको गिवन है, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, सेकंड अप्लाई नहीं हो रहा, थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं। तो फोर्थ कब अप्लाई होगा, फोर्थ फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जबकि आगे वाली दोनों वैल्यू सेम हो, पीछे वाली दोनों वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, तब ये काम आएगा। ये कब काम आएगा, जब स्टार्टिंग वाली दोनों वैल्यू सेम हो, लास्ट वाली दोनों भी सेम हो, और उनके बीच का जो साइन है वो प्लस और माइनस, मतलब अलग अलग साइन होना चाहिए। तो चेकआउट करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग की दोनों वैल्यू सेम है, पीछे वाली दोनों वैल्यू भी सेम है, मतलब इसमें तो क्या होना चाहिए, पीछे वाली दोनों वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, ए और बी मतलब अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये फॉर्मूला काम आ रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सबसे पहले फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से कंपेरिजन करते हैं, ए की जगह क्या आ रहा है और बी की जगह पे क्या आ रहा है। तो कंपेरिजन करते हैं, यहाँ से ए की जगह क्या आ रहा है अपने पास, एक्स आ रहा है और बी की जगह पे, सॉरी एक्स स्क्वायर आ रहा है और बी की जगह क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो ये ए की वैल्यू हो चुकी है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि ब्रैकेट में पावर टू माइनस बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी थी, वाई स्क्वायर, उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फोर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर्स बैठी है, तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, माइनस y की पावर 4, और इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास, 6y plus 7 और minus 6y plus 7। तो अपन देखेंगे अगर इसको इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर एक भी फॉर्मूला नहीं है, या सॉरी एक भी फॉर्मूला ऐसा है नहीं है जो कि इसमें अप्लाई हो रहा हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस का साइन है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 7 प्लस 6y, क्योंकि 7 के आगे प्लस का साइन था और 6 के आगे भी किसका साइन था, प्लस का, और इसको क्या लिखेंगे, 7 माइनस 6y। तो यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से बनता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये कितना बन जाएगा, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को इस तरीके से दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 49 माइनस 36y स्क्वायर, ये जाएगा इसका आंसर। 8 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वही आ रही है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वही यहाँ पर आ रही है, यानी कि फॉर्मूला नंबर 3 इसमें अप्लाई होगा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसको, 7a होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 77 जा 49, a स्क्वायर माइनस 99 जा 81 b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपसे बोला है, यूज द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये क्या करना है आपको, यूज करना है और इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपेरिजन कर लेते हैं कि एक्स की जगह पे क्या आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे पूरी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी को ब्रैकेट में देना है इस तरीके से। अब यहाँ से कंपेरिजन करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो चेक करते हैं एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है। ए की जगह पे क्या आ रहा है अपने पास, कॉमा लगा के ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2 है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, इक्वल टू लिख के एक्स की जगह क्या लिखना है वापिस, एक्स इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आ रहा है वापिस, एक्स आ रहा है प्लस ए बी, ए बी मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 2, और ये केस का आंसर, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए इस क्वेश्चन की सकल इसकी जैसे होनी चाहिए, जो कि नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले सकल बनाते हैं इसकी, क्या करेंगे यहाँ पे 4x, यहाँ मैंने लिखा प्लस और माइनस का 5 ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज लेंगे हम, इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 4x प्लस और माइनस का 1 अंदर लिख देंगे इस तरीके से, लिख सकते हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वापस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से चेक करते हैं एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, 4x आ रहा है, ए की जगह क्या आ रहा है माइनस का 5 और बी की जगह क्या आ रहा है माइनस का 1, इन तीनों वैल्यूज को यहां पर पुट करना है अपने को। तो वैल्यूज पुट करते हैं,
x स्क्वायर आ रहा है यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ रहा है a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ये हो गया a प्लस b इंटू x, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 4x है प्लस a इंटू b आएगा मतलब कि माइनस का 5 इंटू माइनस का 1, सॉल्व करते हैं इसको 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, ये माइनस का 5 है इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास माइनस बनेगा टोटल इस तरीके से, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना गया माइनस का 6, माइनस का 6 और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24x और ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 सेकंड का 3a प्लस 5 3a माइनस 8, तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाले दोनों वैल्यू सेम है और लास्ट वाले दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट है, बस डिफरेंस क्या इतना सा है कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए था जबकि यहाँ क्या दरगाह में माइनस दरगाह है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है ये और इस पर स्पेशल ध्यान देना। देखो स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लस बनाते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट लगा के 3a प्लस माइनस का 8 आप डायरेक्ट लिख सकते थे, आप कंपेरिजन करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3a और a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 8, इन तीनों वैल्यूज को इस तरफ यहाँ पे पुट करना है हम लोग, तो पुट करते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अपने पास 3a उसका स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 5 प्लस का साइन आएंगे प्लस का साइन, उसके बाद b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस में तो टोटल क्या बन जाएगा अपने पास माइनस बन जाएगा और प्लस इंटू x सॉरी, तो यहाँ पे इंटू ए एक्स प्लस a इंटू b ब्रैकेट में लिखना है इस तरीके से, सॉल्व आउट कर लेते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, 5 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस 3 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 9 a, ये हो जाएगा 40 माइनस इंटू प्लस, तो किसे बनेगा माइनस का 40 और ये क्या होती है इसका आंसर। इसका लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट फिफ्थ नंबर एक्स वाई जेड माइनस 1 इंटू एक्स वाई जेड माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बना मेरे पास ये है पूरी जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट आ रही है यानी कि फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ, तो डायरेक्ट चेक करते हैं यहाँ x की जगह क्या आ रहा है कंपेरिजन करने पे x y z आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है माइनस का 1 और b की जगह क्या आ रहा है माइनस का 2, वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी लिखेंगे अपन, तो यहाँ क्या बनेगा माइनस का 1 और माइनस का 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी एक्स वाई जेड प्लस ए इंटू बी यानी कि माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा अपने को माइनस का 3, तो माइनस का 3 एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करने पे इसको और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, जो भी आइडेंटिटी है वो यूज करनी है और क्या करना है इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आप देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो सबसे पहले यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है अपने को, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है a माइनस बी का, यहाँ से कंपेयर करेंगे कि a और b की वैल्यू क्या है अपने पास, तो a की वैल्यू तो क्या है अपने पास b है और b की वैल्यू क्या है 7 है क्योंकि माइनस की जगह पे माइनस आ रहा है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं a की जगह b है तो b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, a की वैल्यू क्या है b इंटू b, b की वैल्यू क्या है 7 प्लस b की वैल्यू क्या है 7 उसका स्क्वायर, सॉल्व आउट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 7 टू 14 b प्लस 49 इसका आंसर। इसी तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला, तो a प्लस b का और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू कंपेयर करते हैं और पुट करेंगे वैल्यूज, तो यहाँ से चेकआउट करते हैं a की जगह क्या आ रहा है अपने पास 3x by 2, ये जो x है ये मल्टीप्लाई किसके साथ है 2 के साथ में 3 के साथ मल्टीप्लाई में यानी कि न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई माना जाता है, b की वैल्यू क्या है अपने पास 2y / 3,
दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू पुट करनी है पहले, उसका क्या करना है स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ए की वैल्यू लिख देते हैं, इंटू बी लिख देते हैं बी की वैल्यू, प्लस बी का स्क्वायर 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सो नोट करते हैं इसको, 3 का स्क्वायर लेगा 9 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेगा मेरे पास 4 प्लस, यहां से देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2xy बचा सिर्फ मेरे पास में 2 इंटू एक्स वाई, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन 9, और ये क्या इसका आंसर भी आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं आ रही है। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल जरूर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग,